क्या बोलती है पब्लिक? तो यार आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं सिकू टॉक की न्यू वीडियो पे, जिसका टाइटल है सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम रील टॉक्सिक्स गर्ल रोल्स मिस्टर सिकू। तो आज जो देखते हैं क्या सीन है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार आज मैं अपने दिल की गहराइयों में छुपे ना एक बात को पूछना चाहता हूँ। कुछ लड़कों यार के मैं पास इस बंदे को पहली बार देख रहा हूँ और इसकी वीडियो भी कुछ लोग पहली बार अपने देख रहा बच्चे हूँ। घुमा रहे हैं आज यार, देखते लेकिन हैं। हम जैसे सिंगल लौंडे इनके नसीब में ऐसा कुछ नहीं है यार। बहुत तकलीफ होती है। कल मैं यही सारे क्वेश्चन खुद से कर रहा था, तभी मेरे पैर में चोट लग गई। चोट लगने के कारण मैं गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा पाया, उनके सामने भटक नहीं पाया, तो मैं लड़कियां थाने इंस्टाग्राम पे चला गया और तभी मैं ये देखता हूँ। अबे यार इसकी तो ब्रा दिख रही है। तू भी पहन लेना, तेरी भी दिखेगी। ये है इशू जो बिना नॉलेज और एजुकेशन के बिना कुछ भी बकवास करती है। और ऐसा मैंने क्यों बोला यार, तुम लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा। वैसे इस पे काफी लोगों ने वीडियो बनाया और मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। यार मजाक कर रहा हूं, इसके वीडियो देखने के बाद यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल वीडियो पूरा देखते रहो, सब पता चल जाएगा। आजकल का प्यार यही है जनाब, चले तो चांद तक नहीं तो फ्लैग तक। ये लड़की कैसी वीडियो बना लेती है यार, को कुछ परवाह नहीं भाई, इसको सिर्फ एक ही चीज पसंद है, टप्पा टप टप्पा टप। इसके हर वीडियो में, सॉरी हर रील में, हर रील में इसके यही सारी चीजें होती है, या फिर दो चार माँ बहन की निकाल फिर एक रेस प्यार का मतलब पता है ना भाई। इसने इससे साफ पता चलता है इसने कैसा प्यार किया है। पढ़ाई लिखाई वाले उम्र में लड़कों को रील्स पे गाली देने मकसद है इसका। अबे पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो, लेकिन नहीं प्यार को क्यों गाली देते हो जनाब, जब आपका महबूब ही। I expected this. जब हम लड़की गालियां देती है अभी कुछ और, इसको ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। और जितना भी समझाऊं इससे तो ये साफ पता चलता है कि इसका ना कुछ लोगों ने बहुत गंदे तरीके से काटा है। अगर इससे कोई पटा होगा तो पता नहीं अपने आप को टपटप के लिए पटा होगा। इसके चाचा विधायक है और ना ही जरा सी मैच्योरिटी है, और ये तो पापा की परी कहलाने लायक भी नहीं है। इसे मेरी खूबसूरती से ज्यादा ड्रामीपना चेक करे, बस वही इंसान चाहिए यार। ये लड़की इतने फिल्टर ठोक रही है। जरा इसके एटीट्यूड से देखो, खूबसूरती से ज्यादा हरामीपन चेक करने वाली इसे चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ना हरामीपन के अलावा और इसके अंदर कुछ क्या, हमें भी लड़कियों में हरामीपन चेक करने के लिए खूबसूरत बनना पड़ता है मैडम। एक तो आप इतने मेकअप करके रील्स बनाती हो, ऊपर से दो चार फिल्टर, और यार तुम्हारे फिल्टर वाली बात पहले बोल, ओहो नेक्स्ट लेवल। पता नहीं ये कौन से काइन मास्टर वाले तुम एडिटर से एडिट करवा रही हो। और भाई अगर ऐसा फोटो आए तो कौन सी खूबसूरती, खूबसूरती का पता नहीं कब्ज उसको टाइम दिया गया, जब वो तुम्हारे साथ दही कहा हर वक्त इधर लोग, तुमने उसे बेवफाओं का टैग दिया। अरे बच्चे के बच्चे, इस लड़की के लिए ना सिर्फ सोना ही सब कुछ है लड़कों के साथ। यार माफ करना बट खुद ही देखो इसके ख्याल कैसे, हर वीडियो में सिर्फ टपा टप। और यार इसका कैमरामैन, इसकी आवाज सुन के मुझे चिढ़ हो रही है, गुस्सा रहा, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। कंट्रोल उदय, किताबें पढ़ने की उम्र में आंखें पढ़ने की बात करोगे तो कटेगा ही ना। ये कौन सी है, देख लो भाई। और तुम्हारी उम्र तो जैसे गोद में बच्चे खिलाने की है ना। मैं बता रहा हूँ यार अपने देश का ना भविष्य संकट में है, भारी संकट में। और यार मैं इस लड़की से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लड़कों से जो तुम सोशल मीडिया पे ऐसे गंदे गंदे गालियां दे रही हो। उम्र ही क्या है यार तुम्हारी, हमारे बेचारों का क्या कसूर है। फ्यूचर बनाने की जगह तुम आज तक कोई मिला ही नहीं, फ्यूचर बिगाड़ रही हो, अपना कैरेक्टर बिगाड़ रही हो। और सिर्फ अपना ही नहीं, तुम्हें 7 लाख लोग फॉलो करते हैं, तुम उनका 7 लाख कैरेक्टर बिगाड़ रही हो, उनके उनका उनका सोच बिगाड़ रही हो तुम। दिस इज नॉट, इधर आ जाओ ना, तारीखों का ऑर्डर दो। दिल है मेरा, तुम्हारी अम्मा के दिए हुए दहेज में बर्तन नहीं है, जब कभी भी तोड़ के चले जाओगे। के बच्चे एक तो भाई इसके इसके सारे बातें मुझे पता नहीं क्यों फनी लग रही है। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये गाना सबके लिए लगाती है या सिर्फ अपने लिए, क्योंकि गाना सिर्फ इसी पे सूट करता है। देखो यार अपन लोग ऐसे किसी को गाली नहीं देते, गाली देते भी तो इन सरकास्टिक वे, इन फनी वे, बट इसको अकल आई तब तो गर्मी में इसका दिमाग जल चुका है भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और हाँ, एक तो वैसे भी दहेज लेना या देना अपराध है, और अगर कोई देता भी है तो कौन से लड़के की माँ दहेज देती है। ओ भाई, लड़की वाले देते हैं यार, लेते हैं तो लड़की वालों से लेते हैं। लोग क्या नहीं पाई तो कम से कम ये सब तो जान लेती। जो मेरा है वो मेरा है, अगर वो थोड़ा सा भी बहन का निकल जाए तो मुझे नहीं चाहिए।
इसके साथ कौन रहा होगा लड़का इसके साथ, देखो एक दिन से दूसरे दिन तक घर में क्या माहौल रहता होगा। इसके घर वालों से गलती हो जाए तो ये क्या उनको भी ऐसे ही बोलती है, भाई कुछ गलती कर दे तो तू का बच्चा है, भाई बाहर जा रहा है तो किसी के साथ सोने जा रहा है ना, सही बोल रहा हूँ ना, पापा कमरे में जा रहे तो टपा टप टपा टप। जी यार इसकी सोच की वजह से मेरी सोच कितनी घटिया हो रही है जी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वैसे इसके रील्स में लोग कमेंट क्या करते होंगे, आओ देखते हैं जरा। अगले के लिए बहुत जगह थी पर दीदी तुम्हें ये इंस्टाग्राम ही क्यों छोड़ा। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ यार, क्यों फैन का क्यों, मैं भी तेरे कान में सबसे वही मगर नहीं है। छोड़ो यार इसके कमेंट में और नहीं पढ़ सकता यार, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो पब्लिक भी तो आराम में ना लेती है, तुम क्या ही करोगे जाके। गाली देने की आदत है मेरी, उस आदत की वजह से तुम मेरा कैरेक्टर डिसाइड करो तो तुम। देखो भाई इधर मेरे पास, तुम लोग भी ठोको, मैं अपनी वीडियो में इसको लाइक वाले बटन को ठोक दो उसका, नहीं यार इस वीडियो के लाइक बटन को। गाली देने की आदत है फिर तुम घर में भी ऐसे ही गाली देती होगी। अब तो मुझे डाउट हो रहा है यार, तुम घर में ही रहती हो ना, ऐसा तो नहीं तुम्हारे इन हरकतों की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी कैमरा सही तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया हो और तुम अब कचरा रील्स में फैला रही हो। थोड़ी बहुत शहर से निकलेंगे, शहर जाम कर देंगे, हम एक दिन इतना नाम कर लेंगे। इतना लोग पसंद करते तो मैं वो भी दिख रहा है यार, ये जो छपरी लोग है ना वही असली के बच्चे हैं और वो लोग भी जो इसको ये सब बकचोदी करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और क्या बोला ये, हमें समझने के लिए दिल लगता है। ओके और दिन ठहरे दिमाग वाले नहीं समझ पाओगे। पहले ही बोला ना मैंने भाई, इसके पास दिमाग भी आखिरकार इसने खुद से एक्सेप्ट कर लिया। क्या बढ़िया था गुरु, इसने सही बोला, इसे समझने के लिए ना ही दिल चाहिए और ना ही दिमाग, इसे समझने के लिए तो बस एक ही चीज चाहिए के बच्चे वाला गाना बजा दो भाई, सब समझ जाएंगे इसे। और इसका इंस्टा आईडी तो हम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं, हार्ड टू कैच, एकदम सही एकदम सही। क्यों हार्ड टू कैच है दिखाऊं, ये देखो देखा सबने, हार्ड टू कैच। देखो अगर कंटेंट बनाने तो लोगों को एंटरटेन करना सीखो, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा नाम कमाओ, ना कि ऐसा बकचोदी करो। मेरे ओपिनियन में तो मुझे ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी, बाकी तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ। खैर आज के लिए बस इतना काफ़ी है। और यार तुम लोगों को पता है इसको कितने लोग फॉलो करते हैं, 7 लाख से भी प्लस फॉलोअर्स है। फॉलोड बाय इट्स मिस्टर राज, खत्म कर दो यार, आधे ही आ जाओ हमारे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। यार इस लड़की के नाम जिंदगी में पहली बार वीडियो देख रहा हूँ और ये पहली वीडियो ही थी। रोस्टिंग हम भी करते हैं लेकिन यार इसमें ना अलग बात थी, काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त, जो कि यार पॉइंट की बात करते था हर वीडियो के ऊपर पॉइंट। हम तो गालियाँ या वो निकाल देता हूँ ना मैं, लेकिन यार ये ना पॉइंट मारते था हर वीडियो पर, हर चीज़ पर जो उसकी वीडियो में जिधर भी गलत होता था ना उधर उसके ऊपर सही पॉइंट मारते था। यानी कि सिक्यू भाई की काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, हमने भी सब्सक्राइब ठोक दिया है, आप लोग भी जाओ करो सिक्यू भाई को सब्सक्राइब लाइक शेयर, और हम लोग भी अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो यार मारो वीडियो को लाइक मारो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, जे जी भाई को सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन भी ऑल पे क्लिक करो ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यार वीडियो को शेयर भी कर दो ना यार, कर दो क्या क्या है आपको, कर दो यार वॉइस नोट भी छोड़ो साथ में, क्या हो यार जे जी भाई के चैनल क्या मजे की वीडियो बनाता है, रोस्टिंग और रिएक्शन हो क्या ज़बरदस्त देता है लड़का। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।